नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। एडबी पेज मेकर 7.0 में आज हम लोग सीखेंगे प्लगिंग। तो चलिए, मैं एडब पेज मेकर पर क्लिक किया। और मैं जाऊंगा फाइल में, जाऊंगा न्यू पर जाऊंगा और यहां पर मैं एक पेज इंसर्ट कर रहा हूं। यहां पर डबल साइड वाला हटा के मैं सिंगल पेज इंसर्ट कर रहा हूँ, दो पेज। ठीक है, दो पेज। ओके पे मैं क्लिक किया। यहाँ पर देखिए, वन पेज, टू पेज। हम लोग सीख क्या रहे हैं यूटिलिटी में प्लगिंग। प्लगिंग में आप सबसे पहले ऑप्शन क्या है, हैड कॉन लाइन। इसका क्या काम है, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक डाटा है, इसको मैं एमएस वर्ड में डाटा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल भी से इसको पेस्ट किया और फिर मैं कंट्रोल भी से फिर पेस्ट किया। तो ये देखिए, ये डाटा इस पेज में पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया। तो मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ से इस डाटा पर मैंने क्लिक किया और पेज के ऊपर मैं कर रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा रेड है, इसका मतलब है कि इसमें और डाटा है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर टू नंबर पेज पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जूम करके इसको देखिए, तो अब एक नंबर वाला डाटा और दो नंबर डाटा, मैं दो पेज पे मेरे पास डाटा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें पेज टू पेज वन कर दे, इसे हमको पता चले। ठीक है ना, तो चलिए इस पर डाटा पर मैंने क्लिक करता हूँ और यूटिलिटी में जाता हूँ, प्लगइन में जाता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा, बॉटम यानी नीचे पर एक पेज नंबर टू आपको बता दिया ऐसे। फिर इस पर टू नंबर पर क्लिक करेंगे, फिर यूटिलिटी में जाएंगे, एंड कॉन में जाएंगे और फिर क्लिक करके जाएंगे और यहाँ पर टॉप में तीस पेज पर आपको ऊपर में आपको बता दिया कि इफ़ आपको दो ई पेज में दो नंबर पेज पर ये आपको एक नंबर, इस तरह से आपको देख सकते हैं। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। न्यू पेज लेने के बाद यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, फिर फाइल में जाता हूँ। यहाँ पर फिर मैं लेता हूँ तीन पेज, अगर मैं लेता हूँ ओके करता हूँ। क्लोज करने के जो नहीं थे दोस्तों, लेकिन मैं क्लोज कर दिया। वो उसको वहाँ से भी मैं काट सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब मैं फिर, मेरे पास यहाँ पर एक डाटा है। अभी हम नेक्स्ट क्या सीखने वाले हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हम लोग जाएंगे, इन लेआउट में जाएंगे और कॉलम गाइड में आएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टू दे देंगे, टू दे देने के बाद यहाँ पर देखिए कॉलम गाइड लगा दिए। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, डाटा मेरे पास कॉपी है, इसको पेस्ट मैंने किया और यहाँ पर भी डाटा मेरे पास कॉपी है, इसको पेस्ट किया। अब हुआ क्या कि एक दो ये ऊपर नीचे हो गया, तब क्या करेंगे, इस पर मैं क्लिक करूँगा और शिफ्ट प्रेस प्रेस करके इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद में जाएंगे यूटिलिटी में जाएंगे और बैलेंस कॉलम इस फर्स्ट पर क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए आपका बैलेंस दोनों आपको मेल कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन क्या है, बिल्ड पैकेट। इसका क्या काम है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक और पेज इसमें इंसर्ट हो जाए और सेव हो जाए इंसर्ट हो जाए पेज, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहले से मैं पेज इंसर्ट करके रखा हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं ओके। इस सेव मांग रहा है, जैसे सेव करके हम क्या करेंगे और सेव, तो इस सेव भी हो जाएगा, एक नया ब्लैंक पेज भी आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा आपको, तो देखिए मेरे पास डाटा है, देखिए ब्लैंक पेज भी आ गया, दो पेज लिए थे हमने, ब्लैंक पेज भी आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे, सेव भी हो जाता है और ब्लैंक पेज भी इंसर्ट हो जाता है। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऑप्शन से भी है, तो यहाँ से भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से भी पेज इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद और मैं पेज के ऊपर ले जाता हूँ और मैं इस तरह से मैंने कि मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से, और जाते हैं यूटिलिटी में जाते हैं और बुलेट एंड नंबरिंग में आते हैं। यहाँ पर इसको कभी हम लोग आप बुलेट
ले लेंगे, ओके क्लिक करेंगे, देखिए बुलेट आपको लग गया, ठीक है। पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ टू आ गया तो पैराग्राफ वन पर लगा है, ठीक है ना, इस तरह से बुलेट आपको लग गया। इसी में और है कुछ, इसी में और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और बुलेट भी और तरह का है। जैसे आप नंबर पर आ जाते हैं, जैसे एडिट में जाके यहाँ से बहुत सारा ले सकते हैं बुलेट, ठीक है, बहुत सारा। यहाँ कैंसिल करते हैं, यहाँ पर नंबर पर आके आप 1, 2 रोमन अंक ABCD कोई भी आप यहाँ से भी आप बुलेट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कैंसिल, और हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। चेंज केस, चेंज केस क्या है, इसको मैं करता हूँ इस पेज पर, मतलब इस पेज पर मैं ला देता हूँ, और आने के बाद यहाँ पे मैं कर्सर को रखता हूँ। मैं कॉपी मेरे पास पहले से था ही, उसको मैं पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद और मैं चेंज केस के मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर भी को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया और जाता हूँ इटली प्लगइन में जाता हूँ, और यहाँ पर चेंज केस, चेंज केस पे क्लिक किया तो ये क्या करता है, देखिए वीडियो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इतना को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तब जाते हैं प्लगइन में चेंज केस, चेंज केस में केस मतलब क्या होता है, आप देखिए लोअर केस जैसे सब छोटी, ठीक है, उसके बाद चेंज केस, अपर केस सब बड़ी, उसके बाद टाइल्ड केस, ये क्या करता है, एक लीटर बड़ी बाकी सब छोटी, ये सब लोग लिखते हैं। उसके बाद आते हैं, उसके बाद सेंटेंस केस, ये आपको MS Word आप अगर सीखे होंगे तो ये ऑप्शन उसमें भी है। उसके बाद टूगल केस होगा, टूगल केस पहला छोटा बाकी बड़ी। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है क्रिएट कलर लाइब्रेरी। तो आप यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर भी आप लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया, लाइब्रेरी नेम दे देते हैं मनोज, सेव पर मैंने क्लिक कर देते हैं। ठीक है, सेव पर मैंने क्लिक कर दिया। सिर्फ जाएंगे हम लोग डिफाइन कलर में जाएंगे, यहाँ से ऑटो के जगह पर को ये को हम लोग अभी ले लेते हैं ब्लू ले लेते हैं। उसके बाद न्यू, और यहाँ पर भी नाम दे देते हैं मनोज, ओके ओके, और देखिए यहाँ पर मनोज नाम से आपको आ गया, देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ड्रॉप, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ड्रॉप कैप मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने इसको मैं हटाता हूँ, अब यहाँ पर देखिएगा टी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ड्रॉप कैप में आता हूँ, और यहाँ पर मैं साइज 3 भी रखते हैं, अप्लाई करते हैं, देखिए इस तरह से आपको बड़ा कर देगा। इसको करते हैं क्लोज, नेक्स्ट में आते हैं, आपकी 3 से कम देते हैं ड्रॉप, 3 से कम देंगे 1 देंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ड्रॉप कैप मतलब क्या होता है, एक लेटर आप बड़ी कर सकते हैं, और फिर आपको रिमूव करना होगा तो इसी पर आपको जाकर रिमूव कर सकते हैं, देखिए रिमूव कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर गो टू पैराग्राफ, इस यहाँ पर इसे अगर नेक्स्ट पर लिखते हैं तो यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।